हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर कर रही हूं। मुश्किलों में भी हम अपने अपने आप को खुश रख सकते हैं। छोटी सी चीजों से खुशी मिल सकती है आपको। आप इतनी परेशानी में भी आप खुश रख सकते हैं अपने आप को। मतलब हम लोग क्या होता है जिंदगी में, बहुत सारी अपेक्षाएं अपने आप से रख लेते हैं कि ये होगा वो होगा। उस सोच के हम आप खुश नहीं रहते या खुशी अपने आप को रखना नहीं चाहते। हम सारी सबको खुशी देते देते अपनी खुशी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। 24 घंटे सबको खुश रखने में लगे रहते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो ये लोग खुश हो जाएंगे, हम कि इतना बड़ा काम करेंगे, इतनी जिम्मेदारियां ले लेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, या घर का इतना सारा काम कर दिया। अक्सर हाउसवाइफ की बात मैं कर रही हूँ। अक्सर बहुत सारा सोचते इतना सारा काम कर लेंगे तो ये खुश हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचते, जितना आप काम करेंगे या जितनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती, उतनी अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती है। तो आप ये सोच के ये खुश आप सबको रख के ऐसा नहीं हो सकता कि आप सबको खुश रख सकते हैं। आप जब तक अपने आप खुश नहीं रहेंगे, अपने आप को खुश नहीं करेंगे, तब तक आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। अपने आप को खुद को आपको होती सबकी जिंदगी में होती है मुसीबत, लेकिन वो मुसीबत के सोच के ऐसा तो नहीं हम अपना खुशी भूल जाए। खुश होना अपने लिए सिर्फ मात्र 2 घंटे 1 घंटे नहीं निकाल सकती जो अपने आप को मेंटेन रख सके, अपने आप को खुश रख सके, अपने लिए जी सके, अपने बारे में सोच सके। मेरी तो जिंदगी पूरी ऐसे ही चली गई, ये करने में, सबको खुश करने में चली गई। आप बाद में ऐसा कहते हैं, अपने लिए जिए। जिंदगी ने, भगवान ने आपको जन्म दिया है तो सिर्फ आपके लिए दिया है, सबको खुश रखने के लिए आपको जन्म नहीं दिया है। आप इसलिए धरती पे आपने जन्म नहीं लिया, आप अपने आप के लिए लिए हैं। तो अपने आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सेल्फिश बन जाइए अपने लिए, अगर आपको अपने आप को खुश रखना है। तो ये हम लोग क्या सोच लेते हैं, कैसे मेरे हस्बैंड भूल गए, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लिया, मेरे लिए ये नहीं किया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम लोग ने भी तो उनको गिफ्ट नहीं दिया या हमने भी तो ऐसा नहीं किया जिससे वो खुश रह सके। सब सोच के दुखी हो जाते हैं। सब सोच के दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने लिए लिए, अपने लिए खुद से खरीद लीजिए, नहीं लिए तो अपने लिए लेके जाए, खुद ले लीजिए। खुशियों को अपने पोस्टपोन कर देते हैं। हम लोग क्या सोच लेते हैं, हमारे पास बंगला हो रह सकेंगे, हमारे पास कार नहीं है, बंगला पास घर हो जाएगा बहुत बड़ा तो मैं खुश रहूंगी, मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे बच्चे पास हो जाएंगे फर्स्ट तो मैं खुश हो जाऊंगी। फिर आप करते हैं, बच्चे नौकरी पा जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये चीज होगी। तो बस हम लोग खुशी ऐसा सोच के, ये नहीं सोचते हाँ आज मेरा मेरे बच्चे ने ये ट्यूशन में अच्छे नंबर लाए, मेरे बच्चे स्कूल में अच्छा नंबर लाए, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे हस्बैंड ने अच्छा मेरे लिए कुछ लेके आया, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे घर में ये चीज बनाया है, मैंने आज बहुत खुश हूँ। आज मैंने घर में अपनी छोटी सी कोई भी छोटी सी चीज खरीदी, हाँ मैंने आज मैं बहुत खुश हूँ। ये हम लोग नहीं सोचते, छोटी छोटी चीज में नहीं सोच के खुश होते हैं। हम लोग बड़ी बड़ी चीज सोच के सोचते हैं कि कल वो काम होगा तो हम कल खुश होंगे, आज भी हम खुश रहना नहीं चाहते। तो शायद यही कारण है कि हम खुश नहीं रह पाते। तो आप ऐसा करिए, बस अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, महीने का, दिन का, घंटे का, कुछ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए, अपने खुश, अपने से खुश रहिए। अब जिससे आप खुश रहते हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, तो ऐसे ऐसे चीजों से हम खुश रह सकते हैं। तो जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। जिंदगी ऐसा ना हो कि बोरियत हो जाए, बहुत बोर होके जी रहे हैं। खुश होकर जिएंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो है, बहुत खूबसूरत बन जाती है। मैं उनके लिए ये है कि जो बहुत दुखी रहते हैं या दुख होने का कारण खोजते हैं, सुख होने का कारण नहीं खोजते हैं। वो लोग दुखी होने का कारण खोज के खुद ही दुखी होते हैं। हस्बैंड से भी थोड़ा वो करना चाहिए कि आप अपने हस्बैंड को ऐसा करें कि महीने का जो भी बहुत सारे खर्चे हस्बैंड उठा लेते हैं, सारी जिम्मेदारी उठा लेते हैं घर की, लेकिन आप हस्बैंड से थोड़ा सा महीने का 1,000, 500, 2,000 जो भी हो आप अपने हस्बैंड से मांगिए, और वो चीज खरीद जिससे आपको खुशी मिले। चाहे तो आप उसको सेविंग करिए, चाहे आप अपनी पसंद की कोई चीज खा लीजिए, कोई चीज पहन लीजिए, अपनी ज्वेलरी लीजिए, कुछ भी लीजिए, जिसको मतलब वो 2,000, 500, 1,000 जो भी हो उस पैसे का आपको किसी को हिसाब ना देना पड़े, आप उससे अपनी खुशी खरीद लीजिए। बस ऐसा अपने अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए आपस में, तो ऐसा करेंगे तो आप खुश रह सकते हैं। तो खुशी होने का बहुत बड़ा कारण नहीं होता है, आप इस तरह भी खुश हो सकते हैं। तो बुढ़ापे में ये ना हो कि उम्र चली गई, हमने तो ये खरीदा नहीं, हमने तो ये पहना नहीं, हमने तो ये खाया नहीं है, ये नहीं। वो पछताने से अच्छा है कि आप खुद से वो कर लीजिए, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। और जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, एक बार जो टाइम चला गया है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। जो हमारे बचपन चला गया है तो वो तो लौट के नहीं आएगा, तो इसको भी वेस्ट ना करिए, इसको भी मत जाने दे।
और इंजॉय करिए जिंदगी, खुश ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही खुश रहता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन आपको अच्छी लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। खुश रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू सो मच।